Quantitative research, commitment to nomothetic reasoning. Now, quantitative research has a specific commitment to a certain kind of logic which we call nomothetic reasoning. Now, let us look what that nomothetic reasoning is. When you're following a nomothetic pattern of re reasoning, you feel that the, all the knowledge is objective, that it is, there is a possibility that when you go in the field, you can collect objective knowledge. ऑब्जेक्टिव नॉलेज से मुराद मेरी ये है कि उस नॉलेज में कोई भी आपका बायस नहीं आएगा तो ये पॉसिबिलिटी है ये इम्कान है कि जब आप फील्ड में जाएं और डेटा कलेक्ट करें तो जो भी रिजल्ट्स आप ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज मिले जिसके अंदर आपका कोई पर्सनल बायस शामिल नहीं है कोई रिसर्चर इफेक्ट नहीं है और किसी किस्म की वैल्यूज उस पर नजरअंदाज नहीं हो रही ये सब कुछ करने के लिए वॉट यू डू इज यू टू सिफाइड पीपल इन टू डिफरेंट ग्रुप्स सो आप लोगों को क्लस्टर्स में डिवाइड करते हो उस चीज की डिफरेंट उसके वेरिएबल्स बनाते हो और उनको उनकी एवरेजेस को डिस्कस करते हो बिकॉज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इज दैट यू वुड लाइक टू डिलीनेट स्पेसिफिक काइंड ऑफ लॉज फ्रॉम देअर सो आप ये कहना चाहते हो अंडर दिस नोमोथेटिक रीजनिंग रीजनिंग दैट नो मेटर वेयर द डेटा इज कलेक्टेड एंड नो मैटर हु दीपल आर अगर उनके बेसिक वेरिएबल्स जैसे उनकी एज एक है और उनका जेंडर वही है और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देख रहे हो वही है तो इनके लिए जो भी रिजल्ट निकलेंगे वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होंगे सो नो मैटर वेयर यू आर यू कैन कंपेयर द रिजल्ट देट आर बींगट यूर कमिंग अप विद एनीयर इन द सोसाइटी सो so, इस किस्म के डेटा के लिए आई यू कैन बिकॉज यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट रिलेशनशिप्स आप रिलेशनशिप्स uh, के और देखना चाहते हो आप एसोसिएशंस देखना चाहते हो तो व्हाट यू डू इज यू प्रिपेयर नंबर्स बिकॉज नंबर्स आर इजियर टू टू सॉर्ट ऑफ कंपेयर अक्रॉस द डेटा यू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स अगर आप ऑब्जर्वेशंस भी करते हो लेकिन ऑब्जर्वेशंस आर वेरी स्ट्रक्चर्ड इन इट That is, they are tightly controlled in terms of numbers and all you have to do is to um, take to them. It allows replication of research findings and it strengthens the generalizations. So if you have conducted a data in a specific way in some, in some other place, in, specifically in terms of numbers, or you have tried to maintain a certain kind of rigor,

लेकिन मैं ये कह सकती हूं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये वेरिएबल्स हों तो इनका ये नतीजा निकलता है सो बाय इम्प्लीकेशन बिकॉज ऑफ द रेगर ऑफ माय रिसर्च बिकॉज ऑफ द टाइटनेस ऑफ माय रिसर्च मेथड बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ माय रिसर्च मेथड द रिजल्ट्स दैट आई हैव कम अप विद आर एप्लीकेबल इन अदर डेवलपिंग कंट्री कॉन्टेक्ट ऑल्सो हाउ कमिंग टू थिंक ऑफ इट दिस नोमोथेटिक रीजनिंग हैज सर्टन काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑल्सो अब वो लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन उसकी ये है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल डिफरेंसेज यू आर इंटरेस्टेड इन अब एवरेजिमटाइम्स दीज एवरेज कैन बी क्वाइट मिसलीडिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ यू इंटरप्रेट दम फॉर इंस्टेंस देर दिस रिसर्च इन एफ्रीका विच सेड के इतने जेंडर बेस्ड जहां पे डिफरेंसेस उन्होंने देखने थे उन्होंने ये देखा कि लड़कियों की ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो स्कूल एनरोलमेंट थी वो बढ़ गई है Later on, when they looked at this, this um, data again, they realized that the number of the girls that were going in the schools is not increased. Rather, the number of boys that were going in the school have decreased. number of this is somehow. Uh, it also leads to a kind of superficial understanding of the context. For instance, let example one example here. अभी पिछले दिनों ही वर्ल्ड बैंक के कोई लोग आए हुए थे और वहां पे उन्होंने डेटा प्रेजेंट किया एंड दे दिसड दे वर लुकिंग एट दीज टीचर्स एंड दे देस टीचर्स के अंदर देर आर नो बिकॉज दे हैड दिस ह्यूज डेटा क्वांटिटेटिव डेटा दैट दे हैड कलेक्टेड अक्रॉस पाकिस्तान उन्होंने कहा इस कंट्री से हमें ये पता चल रहा है एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू यूएस एस कॉन्टेक्ट ऑल्सो दैट नन ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर्स make a difference in the learning outcomes of the students sirf unko exp the, sirf the only difference that is coming is that the teachers ne sirf 2 saal padhaya ya jo te teachers ne 2 se zyada experience hai unka sirf learning outcomes pe uh, ek benefit aa raha hai which is again something we need really need to think about